रतन नबल टाटा ने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 86 वर्ष के थे। उन्हें तबियत बिगड़ने पर बुधवार को आईसीयू में एडमिट किया गया था। उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी और उनके निधन ने देश भर में शोक की लहर है। उद्योग जगत से लेकर राजनीतिक जगत में लोग दुखी हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के NCPA यानी कि नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का कल देर रात निधन हो गया। देश के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा, और उन्होंने देश दुनिया में बहुत सारे काम किए। आज बहुत बड़े ब्रांड्स हैं जो कि जिनकी नींव रतन टाटा ने ही रखी थी, और इस बीच उन्हें याद किया जा रहा है। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों को अपना मुरीद बना लिया। तो देखिए, प्रधानमंत्री के साथ की कुछ पुरानी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ये वाकई में बहुत ही दुखद पूरी खबर है और पूरे देश के लिए एक दुखद खबर। देर रात को जब रतन टाटा ने अंतिम सांस ली और उनके निधन पर अमित शाह ने भी दुख जताया। अमित शाह ने लिखा, प्रसिद्ध उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी रतन टाटा जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन हमारे राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया। जब भी मैं उनसे मिला, भारत और उसके लोगों की भलाई के प्रति उनके उत्साह और प्रतिबद्धता ने मुझे आश्चर्यचकित किया। हमारे देश और इसके लोगों के कल्याण के लिए उनकी प्रतिबद्धता के कारण लाखों सपने साकार हुए। समय रतन टाटा जी को उनके प्यारे देश से दूर नहीं कर सकता, वह हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। वहीं रतन टाटा के निधन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दुख जताते हुए कहा कि यह भारत और भारतीय उद्योग जगत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का निधन सिर्फ टाटा समूह के लिए ही नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा के निधन से मुझे बहुत दुख पहुंचा है क्योंकि मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया। दुबई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति चेयरमैन रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि रतन टाटा का निधन उद्योग जगत ही नहीं बल्कि समस्त भारतवासियों के लिए अपूर्णीय क्षति है, और आज देश ने एक महान उद्योगपति के साथ बेहद संवेदनशील और राष्ट्र सेवा एवं मानवता के प्रति सदैव समर्पित शख्सियत को खोया है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने भी रतन टाटा के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया। प्रसिद्ध उद्योगपति, महान देशभक्त व पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा का दुखद निधन उद्योग जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। विभिन्न सामाजिक कार्यों और उद्योग जगत को नई दिशा देने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। ईश्वर दिव्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें, ये ट्वीट विष्णुदत्त शर्मा ने किया है।